कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल लक्ष्य लेकर चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीतेंगे। हालांकि 2014 में 73, 2019 की बात करें तो 64 और 2 उपचुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 66 सीटों पर काबिज थे, लेकिन इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में खासा खराब हुई। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और उसके अलावा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। मंत्री जी, जिस तरीके से इस बार बहुत खराब परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, बीजेपी और उसके सहयोगी दल पीछे रह गए, क्यों? देखिए, हम लोग राष्ट्र की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद पर हैं, और राष्ट्र में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, हम लोग सौभाग्य हैं। हम जिस काम के लिए एनडीए के साथ आए, प्रधानमंत्री मोदी बनाना, तीसरी बार बन रहे हैं। रही बात और कि हार और जीत राजनीति का एक हिस्सा है और उसकी समीक्षा होगी। हम लोग अब जो विकास किया था उसको निचले पावधान पर समझाने में नाकामयाब रहे। विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया था उसे कैश कराया, और नैरेटिव सेट किया कि हमारे ही बात को 400 पार होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल गया, उसको उन लोगों ने भय दिखाया। भय दिखाकर जो नान जाट और दलित थे उनका वोट ले लिया, और झूठ भी बोला कि हम 8,500 रुपये देंगे, देखो लाइन लगी हुई है। तो ये चीज़ों पर हुआ है, इस पर विचार विमर्श होगा, समीक्षा होगी, जो कमियाँ होगी उसे सुधार किया जाएगा, फिर जीत दर्ज किया जाएगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके जो भी साथ में सहयोगी थे, कांग्रेस, इस बार दो ही दल साथ थे, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक सीट पर थी, वो 1 से 7 सीट पहुंच गई, अखिलेश यादव 37 सीट पर पहुंच गए, क्या वजह मान रहे हैं मुख्य रूप से इस नुकसान की? वजह यही है ना कि जो उनसे वोट मिलने वाला नहीं था, क्योंकि दलित तो ऐसे सपा 30 साल से अलग अलग रहते थे, तो जो वोट उनको नहीं मिलता था वो भय से वोट मिल गया और दे दिया, और उसकी वजह से जीत गया। और कौन सा कारण है, किस चीज का भय था? वाह, जो भय दिखाया ना, भय दिखाया कि 400 पार होंगे मोदी, संविधान बदल देंगे, आरक्षण तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और जिस संविधान के सहारे कोई आदमी को अवसर प्रदान है उसे भयभीत कराना, तो ये तरह का है। और मैंने पहले बता दिया, वो अपने नरेटिव को कैश कराया और हम लोग अच्छे कामों को अब समझाने में नाकामयाब है। एक चीज निकल कर सामने आ रही, 7 केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री चुनाव हार गए, वो भी बुरी तरह चुनाव हारे हैं। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो लास्ट तक प्रत्याशी बदले, तो प्रत्याशी चयन उनका बेहतर था और भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से प्रत्याशी नहीं चयनित कर पाई? ऐसा नहीं है, वो एक ही बात है, मैंने बताया कि जो मुख्य था कि कुछ था नहीं, कोई प्रत्याशी उनका लगा नहीं रहा था। 2-3 फायदे पा गए, एक तो नैरेटिव सेट कर लिया, उसके वजह से जाटो अच्छी खासी 23% आरक्षण है, नान जाटो उधर मूव कर गया तो वैसे ही मिल गया 10-12% वोट, प्लस कुछ निश्चित जिनके टिकट नहीं मिले थे, उदासीन और निष्क्रिय थे, जिसके वजह से वो लोग उतनी तत्परता नहीं दिखाई कि निचले पावधान पर जाके लोगों को समझाएं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो भारत माँ को माँ कहते हैं, पार्टी को अपनी माँ कहते हैं, मंच पर तो भाषण देते हैं लेकिन उतरने के बाद वो अपने हिसाब से काम। तो ये कुछ जगहों पर उदासीनता ने अत उत्साह पैदा कर दिया और उदासीनता निष्क्रियता रही लोगों के अंदर। और जो तीसरा था कि वो झूठ कि 8,500 रुपये हम देंगे, कैश कार्ड और देना शुरू किया, फार्म भरना शुरू किया, तो ये तमाम जो है चुनाव जीतने के जो फंडे थे उसको अपनाए। हम लोग ईमानदारी से कि हमने विकास किया तो विकास के नाम पर वोट मिल जाएगा, तो था हुआ तो, लेकिन उसे हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे, और कोई विशेष बात नहीं है। और हम लोग अपने बूथ को जीते हैं, जैसे संत कबीर नगर में 2,214 बूथ हैं, 535 निषाद हैं, तो 535 में हम 500 बूथ जीते हुए हैं, और 2014-19 और 2022 के आंकड़े को पार के अच्छे बूथों से हम पहुँचे। बाकी बूथों पर तो नहीं कामयाब रहे, काम तो किया था, 70 साल में जो काम नहीं हुआ 5 साल में किया, तो हम अपने काम को निचले पावधान पर नहीं समझा पाएंगे, और अगला वाला नरेटिव कैश करेगा, हम अपने काम को कैश नहीं करा पाएंगे, जीत के हार के ही कारण रहे, और उसे सुधार किया जाएगा, जीत दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया, हमारे कुछ नेताओं ने बयान दिए, भीतरघात भी हुआ, जिस वजह से जो परफॉर्मेंस हमें मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई।
मंच पर आकर लोग तो कह रहे थे कि हम मदद करेंगे, लेकिन जमीन पर जाकर वो चीजें नहीं दिखाई दी। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।